आने वाली 10 फरवरी से देश के 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव शुरू होने जा रहे हैं और इसके लिए सभी राजनीतिक दल अपनी तैयारियों में जुट गए हैं। इस बार बीजेपी, कांग्रेस, सपा, बसपा सहित तमाम दल महिला नेताओं पर बड़ा दाव खेलते नजर आ रहे हैं। उत्तर प्रदेश में कांग्रेस पार्टी की कमान संभाल रही प्रियंका गांधी ने इस बार चुनाव में लड़की हूँ लड़ सकती हूँ का नारा दिया है, जिसके बाद से बाकी विरोधी पार्टी भी अब महिला उम्मीदवारों को अपनी लिस्ट में आगे ला रही है। वहीं बीजेपी ने अपनी पहली लिस्ट में 10% महिला नेताओं को टिकट दी है। सपा पहले से मजबूत महिला नेताओं को आगे बढ़ा रही है और बड़ी जिम्मेदारियां दे रही है, तो बसपा में महिला लीडर होने के बाद भी ग्राउंड पर महिला उम्मीदवार ना के बराबर है। खबर समय जगत की स्पेशल रिपोर्ट। फॉर लेटेस्ट न्यूज सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकॉन।